तो बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें, यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी मंथन जारी है यूपी में, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर मंथन चल रहा है। तो यूपी में बीजेपी का ये जो मंथन का दौर है वो लगातार जारी है, और एक बार फिर से बीएल संतोष यूपी पहुंचे हुए हैं, यूपी में हैं, मौजूद हैं, वहां पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक उनकी शुरू हो चुकी है। और इसी के साथ राधा मोहन शुक्ला भी मौजूद हैं वहां पर, क्योंकि लगातार आपको बता दें यूपी में बीजेपी कार्यालय में ये वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अहम बैठक है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और एक बार फिर से वीएल संतोष, राधा मोहन, ये तमाम जो वरिष्ठ दिग्गज हैं बीजेपी के, उनके मंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ अहम बातें हो सकती हैं? जो है वो नजदीक आ रही है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन उत्तर प्रदेश पर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व का दबाव बढ़ता जा रहा है। अगर हम देखें आज की बैठक को तो काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि आज की बैठक जो है सीट बंटवारों को लेकर उससे बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब तक सभी लोगों ने देखा है कि ब्राह्मण और ओबीसी भाजपा से खासे नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनको मनाने की कवायद जारी है। और बीएल संतोष का ये तीसरा दौरा अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और अभी जो नेतृत्व है वो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में हावी होना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा बड़ा प्रदेश है जहां से केंद्र की सरकार को जो है एक गति मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक का एक बहुत बड़ा जो है खाका निकल कर सामने आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप, यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये कि जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए तो कहा यह जा रहा था कि यूपी में एक बड़ा चेहरा जितिन प्रसाद हो सकते हैं, तो क्या इसको लेकर भी कयास चल रहे, क्या जितिन प्रसाद भी इस बैठक में मौजूद हैं? देखिए, अभी अगर हम बात करें जितिन प्रसाद के विषय में, कुछ भी कहना बहुत ही जल्दीबाजी है, क्योंकि जितिन प्रसाद से भी बड़े ब्राह्मण नेता उत्तर प्रदेश में हैं, और जितिन प्रसाद को लाया गया है इसलिए क्योंकि वो जो ब्राह्मण वोट है उनको कह सके, तो कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद के साथ ये जो है कॉम्बिनेशन फिट बैठता है। अगर आज की बैठक की बात करें तो जितिन प्रसाद को भी इस बैठक से दूर रखा गया, क्योंकि संगठन से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी लोग संगठन में मौजूद इस बैठक में मौजूद हैं, हो सके आने वाले दिनों में जो बैठक है उसमें जितिन प्रसाद को लाया जाए, और एक बड़े विधानसभा की तैयारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश का संगठन ऐसा कर भी सकता है। ठीक है प्रदीप, आप अपनी नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि बैठक की शुरुआत हुई है, कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, तो देखना यह होगा क्या कुछ अहम बातें होंगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए प्रदीप बहुत बहुत धन्यवाद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।